बेलगहना ग्राम पंचायत के गंगानगर में गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वीर शहीदों को नमन कर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी गयी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद सदस्य प्रभात नंद किशोर पांडे उपस्थित हुए। साथ ही बेलगहना उप सरपंच कपिल जायसवाल एवं सरपंच प्रतिनिधि तुलसी राम खुसरो ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। जय अम्बे म्यूजिकल ग्रुप ने गांव के बच्चों को संगीत से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। इस ग्रुप में बहुत से बच्चियां रियाज करती हैं। आज इस ग्रुप के बहुत सारी बच्चियों का कार्यक्रम आज की शाम शहीदों के नाम रहा। जनपद सदस्य ने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। म्यूजिक एक ऐसी विधा है जिससे हम नशा और शराबखोरी से दूर रह सकते हैं। आजादी के बाद भी हमारे देश में कई हुए और उसमें आजादी के पूरी बहुत लोग शहीद हुए अपने देश में, देश के लिए प्राण की आहुतियां दी, तो निश्चित रूप से उनका याद करके एक सम्मान है जो आज समिति के द्वारा की जा रही है। और इस प्रकार से बच्चों में देश प्रेम के लिए, देश की सेवा के लिए भावना निश्चित रूप से एक प्रेरणा के रूप में आती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और मैं इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस प्रकार कार्यक्रम आयोजन करके देश को, देश के बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को हमारे देश के प्रति एक अच्छा सद्भाव के लिए प्रेरित करते हैं। इससे जो म्यूजिक है, म्यूजिक तन मन को पूरी तरीके से स्वस्थ रखती है। म्यूजिक से बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं और म्यूजिक से लोग एका भाव में आते हैं, लोग एक साथ बैठ के गाना गाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो इसी रूप में कहीं कहीं एक एकता की भावना प्रेरित होती है और एकता की भावना जब प्रेरित होगी निश्चित रूप से देश का विकास होगा और देश के लिए एक अच्छी सोच पैदा होगी। मैं संदेश देना चाहता हूँ जो देश में योग्यता छिपी हुई है उस योग्यता को ऊपर आना चाहिए। जो देश के लिए अच्छी भावना है, जो देश के लिए अच्छी सोच रखते हैं, वो सभी एक होकर देश के लिए एक अच्छा कार्य करें जिससे देश का विकास हो। इस प्रकार अभी कोरोना वैक्सीन से पूरे विश्व में हमारे देश ने काम का नाम कमाया है, क्योंकि हमारे देश में योग्यता की कमी नहीं है पर कहीं ना कहीं से योग्यता सामने नहीं आ पाती है। हम सबका एक प्रयास होना चाहिए कि जो भी योग्यता हो चाहे जिस क्षेत्र में उसे आगे लाना चाहिए, जो जिससे देश का विकास होगा और देश की जो विश्व गुरु की जो उपाधि है वो पुनः यह देश प्राप्त कर सके। आपका परिचय बोलिए। प्रभात कुमार पांडे, जनपद से मिल जाएगा। ये भारत की आज़ादी के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारा गणतंत्र दिवस, संविधान की स्थापना। यदि कोई समाज विधि सम्मत नहीं है, कानून से बंधा हुआ नहीं है, किसी नियम के दायरे में नहीं चलेगा तो वहाँ निरंकुशता आ जाएगी। राजतंत्र और तानाशाही की परंपरा को छोड़ करके हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र के जो मील का पत्थर है वो हमारा संविधान है। तो ये गणतंत्र दिवस की पावन संध्या थी और इसमें हम बार बार याद दिलाना चाहेंगे कि हमको आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है और हमारा संविधान जो लगभग 3 साल इसको बनाने में लग गया था, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि ये दिन जो है हमारे बार बार उनको याद दिलाता रहे, भावी पीढ़ी को इसकी याद ताज़ा रहे और उसके महत्व को समझे और सम्मान बनाए रखे। आपका परिचय बताइए। अरविंद कुमार पांडे, व्याख्याता, बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।